अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजूर या शेख। अरे ये अभी लैंड किया, ये आपको पता लग रहा है कि डायरेक्ट ही मस्कत से आ रहा है। आदाबज बेटा, ये तेरा वाला ताला तुम्हें तौफीक दे इसी तरह ईदियां बांटने की। टाइम जिंदगी की सबसे हाईएस्ट ईदी हो गई। तो बच्चे नहीं होते जिनको हर जगह अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का शौक होता है। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल एच पे उठे। हमारी फ्लाइट समवेयर अराउंड 1 PM है। पहले 12 PM थी, फिर कैंसिल हो गई, फिर हमने 1 PM की कराई। तो बेसिकली फ्लाइट तो 1 PM की है, लेकिन एयरपोर्ट हमें तकरीबन 10 मिनट में पहुंचना है। अहमद भाई का डिपार्चर है, का अराइवल है और हमारी बीच में फ्लाइट है, सो हमें बीच में कहीं एडजस्ट होना है। गाइस पॉपी फिर भाग गया था, और जाने से पहले हम इसको ढूंढने में लगे हुए थे। अभी जाते हुए तो यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वापस घर फौरन। कितने बजे की है? 12 बजे की फ्लाइट है भाई की, पहुंच तो जाएंगे ऑन टाइम। लेकिन पॉपी की वजह से काम थोड़ा सा बढ़ गया यार। इतना नहीं, मैंने इस टाइम किया था, उसने धक्का मार के खोला ही। दो बड़े बैग हमने एडजस्ट तो कर लिए गाड़ी में। अब एक ये हैंड कैरी है और एक मीडियम साइज का बैग है। इस साइज का हाँ वही बोल रहा हूँ, इस साइज़ का अहमद भाई का एक और बैग है, वो डाल लें। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये रहा अहमद भाई का बैग, और ये रहे अहमद भाई। वेट करते हैं, अगर किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी हुई तो अहमद भाई की आज फ्लाइट रह जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई थिंक हम पहुँच ही जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, कैंसिलेशन में दे दूंगी अगर हो गई तो। जैसे जैसे करके हमने ज़रा जगह तो बनाई है। ये बैग पीछे बैग, यहाँ पे मैं और यहाँ पे अहमद भाई, मुश्किल से लेकिन बन गई जगह। और यहाँ पे इनका ग्लैम अप चल रहा है, ग्लैम अप क्योंकि रेडी नहीं हो सके, सुबह पानी नहीं आ रहा था, सुबह पानी का इतना मसला बना हुआ था, लेकिन ग्लैम तो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खजूर या शेख। हम एयरपोर्ट की तरफ निकल ही रहे थे, इतनी देर में फिर याद है नसीर अहमान से तो मिलके नहीं आए। एबीसी न्यूज़ डॉक्यूमेंटर है, सीरियसली अभी हर खबर पे नजर। नबी अहमान से बाय बाय नहीं बोला था, हमने कहा नबी अहमान को ले लेते हैं, फिर सोचा कि नबी अहमान यहाँ पे फिट कैसे आएंगे। पिछली सीट पे तो मैं बड़ी मुश्किल से फिट आया हूँ, आगे शायद एक बंदा उसकी गोद में आ जाए और बाकी कहाँ आएंगे। तो इससे बेहतर ये कि छोटी गाड़ी में आ जाए। फटाफट निकल के आओ, निकल जाओ फॉरन। एयरपोर्ट की फ्लाइट 12 बजे है, अभी 11 बजे हैं ऑलमोस्ट। ये लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। अहमद भाई को कराची का एयरपोर्ट बहुत पसंद आ गया है एज कम्पेयर टू लाहौर का एयरपोर्ट। ऑफ ही गोज। अब हम जरा चलें नीचे, क्योंकि उतबा शदान आ गए हैं लैंड करके। इंटेंशनली जा रहे हैं उनकी फ्लाइट में, सोचो जितना आराम। हमने उनको बोला जाके चेक इन कर ले, कहते चाय पीऊंगा। मैंने कहा चेक इन कर ले फिर पी लें चाय। गाइस हमारे जाने पे नबी इतना रो रही है, देखो उसकी आंखों में ऐसे आंसू है, सेंटी हो रही है। पीछे मां पीछे मुझे लग रहा है ईमान भी रो रही है, मन कुछ नहीं बोल रही। नहीं, जो हम नींद में उठा कर लाएंगे ना तो हम आपके जा रहे हैं, क्योंकि उत्पा शदान अभी इमिग्रेशन पे हैं, बाहर आएंगे, उनसे मिलेंगे और फिर हम अपनी फ्लाइट पे जाएंगे। मतलब बेरली मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की मुलाकात होगी, ज्यादा नहीं होगी। मस्कत की फ्लाइट लैंड तो कर चुकी है, लेकिन जगह बाहर आते आते काफी देर हो जाएगी, बिकॉज उमरे की फ्लाइट लैंड की हुई है और बहुत रश है। अभी हमने यहाँ से झांक के देखा कि अंदर कितना रश है, तो भाई बहुत ज्यादा रश है। वी हैव अबाउट लेट्स से 20-25 मिनट्स एंड वी हैव टू गो अप देयर। अगर नहीं निकले तो बस फिर हम निकले। यार ये नबी बस कर दो, 10वीं दफा ही बोल चुके हैं उद्धव भाई, शदान भाई, एनी लैंड हो गया। एंड हमें इसके साथ मुश्किल से 20-25 मिनट मिलेंगे, बिकॉज वी गोना बी लीविंग। एंड ये अभी लैंड किया, ये आपको पता लग रहा है कि डायरेक्ट ये मस्कत से आ रहा है। इसका हुलिया देखे, इसके कपड़े शोर मचा रहे होते हैं कि हम मस्कत से आए हैं। अभी शदान को लेके हम मैकडॉनल्ड्स बैठ गए, हमने कहा चलें जितनी देर 15-20 मिनट हमारे पास है, मेहरबानी इसकी इतनी लेट आया। आई एम गेटिंग लेबर वर्क नाउ, आई केम एज़ अ गेस्ट मैन। तो हमने कहा हम जरा सामान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी फ्लाइट का टाइम 10 मिनट में होने वाला है। एंड वी आर ट्रैवलिंग वेरी लाइट जस्ट फॉर इस्लाम। या इस्लामत कराची फ्लाइट यार। गाइस ये इतना पतला हो गया और ये अभी वर्किंग प्रोग्रेस। या इट्स प्रोग्रेस गाइस। मीनवाइल हमने ये मंगाया, सो हम जल्दी अभी ये वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमें 8 मिनट में निकलना है, बिकॉज़ वी नीड टू बी इन टाइम फॉर अ फ्लाइट। एंड बस फॉर्चुनेटली हमें तो टाइम मिल गया, तो हमने कहा इट्स हैविंग मीटिंग टाइम टू से बाय बाय। उनको करना होगा वो कर लेंगे।
ज्यादा इस्लामाबाद कराची इस्लामाबाद कराची करते हैं। जब वो चेक करी उनसे जब भी पूछते हैं कहाँ जा रही हूँ, कराची बैठ के कराची इस्लामाबाद बैठ के बोलते इस्लामाबाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको हमारी शक्ल याद हो गई होगी कि भाई ये अगर कराची ना तो इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं, थप गई हमारी शक्ल। गाइस ओनली इन पाकिस्तान आपका जहाज़ अभी रुका है, अभी दरवाजे खोले भी नहीं हैं। ये देखो आगे वाले तो उठे ही उठे हैं, पीछे वाले भी उठ गए। यहाँ पे बंदा सोच रहा है कि मैं उठूँ ना उठूँ, बारी का वेट करूँ। कब सुधरोगे भाई, कब सुधरोगे? हम फाइनली इस्लामाबाद में लैंड हो गए हैं और हम पेंडुओं वाली हरकतें कर रहे हैं शदीद किस्म। ये हमने बैग्स लिए थे नए, हमने कहा यार हमारे पास जो घर पे बैग्स हैं उनके जो पहिए हैं वो इतने मजे के चलते नहीं है, तो हम ना हम ओह सॉरी सॉरी, एक पीछे रह जाता है फिर दूसरा पीछे रह जाता है, तो ये हम ना इस तरीके से इनको चलाने की कोशिश करें। अभी मैंने कहा इसके पहिए देखो कितने अच्छे चलते हैं, ये देखो। वैसे वाकई तुम वो वाला चला के देखो, हाँ हाँ नाइस स्मूथ ड्राइव। चलो आ जाओ साथ ही आ जाओ, एक ही हाथ से दोनों बैग। और उमर साहब हमें लेने आ गए लेकिन गाड़ी वो प्रियस ले आए हैं। प्रियस की डिग्गी जो है वो बहुत छोटी है, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा पीछे पीछे, तो मैं बहुत फस फसा के आना पड़ा। मम्मा की गाड़ी तो यही बोला था आ गया था। हाँ नहीं, मम्मा की गाड़ी की डिग्गी है, प्रियस की डिग्गी बहुत छोटी है। चलो ठीक है देख लेते हैं, सिर्फ मैं नहीं बैठना ना, तो एक सूट के साथ ही भी रख सकते हैं। तब आएगा, आ जाएगा तुम्हारी गाइज। इनके साथ सोच रहे ना कि कितना वजन में उठवा रहा हूँ बीबी से, तो ये खाली बैग है। खाली नहीं है ये, खाली है नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसे अनिया नहीं नहीं उस तरह रखो, इस तरह एक ही आएगा ना, इसके ऊपर दूसरा आएगा ना, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं नहीं ऐसे मतलब ये इतना करके ये एक्स्ट्रा लार्ज बैग से दूसरा नहीं आएगा, फिर आ जाएगा यार, ट्राई करते हैं। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं बंद होगा, आराम से बंद करना, नहीं होगा नहीं होगा, बड़ा तो नहीं आएगा, छोटा नहीं होगा। हाँ हो जाएगी आई थिंक, नहीं होगा बस नहीं, बैग टूट जाएगा, नया बैग है। दोनों छोटे रख लो ना, इसको आगे रख लो। मैंने बोला था कि नहीं आएगा, दो बड़े मैंने बोला था नहीं आएगा, गाड़ी में तो मैंने भी बोला था आ जाएगा, पिछली सीट पे आना पड़ेगा ना। ये देखें यहाँ पे दो छोटे और एक बड़ा आ जाता, और यहाँ पे एक बड़ा जो है वो यहाँ आएगा सीट पे। अच्छा ये लो, नहीं ये भी रख लो, प्लीज। गाइस घर आते साथ ही हमने इसको नहला दिया, क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन है? क्या पहचान सकती है कौन है? ये तो बिक्की है, ये तो छोटा सा बिक्की है। ये देखें यार कितनी ऐशी है इसकी, डायसन से ये ब्लो ड्राई करे होगा इसका, और इतने मजे से बैठा हुआ है यार, he loves being coddled, look at him। इसके साथ इसका भाई कैसे पीछे रहेगा? आज का सीन ये है कि वापस आके मैंने ईद मिली सबसे, और जरा इमोशनल मोमेंट हो गया और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, फिर मुझे याद है ओ ईद। एक्सक्यूज मी, क्या इमोशनल मोमेंट? यू रैन टू द बाथरूम। सबसे ये डिस्क्लोजर नहीं देना होता, ये बड़ी गलत बात है, मतलब यार ये इतनी प्राइवेट डिटेल्स नहीं देनी होती, लेकिन खैर हाँ मुझे बाथरूम जाना था तो पहले मैं बाथरूम गया, तो वो बड़ा ऑकवर्ड है। खैर उसके बाद फिर मैंने अब वो होश में नहीं रहा। अब मेरा अच्छे से फोटो शूट करेंगे ना कपड़ों? यस, आपका भाई फुल ऑन रेडी हो गया, मतलब मुझे कैमरे वाला चाहिए। हाँ कैमरे वाला, वैसे तो कैमरे से जब करता हूँ तो कीड़े निकालती हूँ। नहीं कैमरे वाला चाहिए, मुझे आज ही तस्वीरें पहुँचा दीजिएगा, मुझे पोस्ट करनी है। ओके मैडम, और मैं आपको अपना चावल चखाऊँ, मैंने अज़रबैजानी स्टाइल राइस बनाया। ओके Also another news guys, हमारे घर पे दावत है, ईद की दावत है, आपको दिखाते हैं सेटअप क्या है। इस सेटअप से आप वाकिफ तो होंगे, ये दोबारा से जो डाइनिंग टेबल है और ये फैंसी तरीके से सज चुकी है, अब यहाँ पे खाना है, लेकिन आज जो खाना है वो सारा होममेड है। बटर टेक्सचर ना, हर घर की सारी खबर नहीं है ना, अलग 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 काम पकड़े हैं। सो सबने डिशेज बनाई है, मटन अम्मा ने बनाई है, मटन बट कढ़ाई और मटन की चांपे, मेरे काम की चीज। हाँ हमना ने बनाया है लज़ानिया बीफ एंड रशियन सैलेड, मैंने बनाया है शाही टुकड़े और टर्किश कबाब सैफ्रॉन राइस एंड योगर्ट गार्लिक डिप सॉस, और हमना ने बनौफी पाए बनाना, तो पता नहीं उसमें वो बनाया या नहीं बनाया। यार वैसे एक बात बताओ, लैटिन में दी थी सीरियसली
यार मुझे नहीं दिया। डैडी अली हमजा बोल रहे हैं मुझे ईदी ने दिया अपने, वो बोले नहीं देनी तुम्हें। डैडी मेरी ईदी उन्हें वज़ाइफ पढ़े, वज़ाइफ पढ़ के जब फारिग होंगे दे देंगे। डैडी डैडी यूजुअली भाई साहब ईदी जो है ना वैसे रुला रुला के देते ना, ईद के फर्स्ट डे के एंड पे रुला रुला के मुझे तो ऐसे ला के पकड़ाए पता है तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। जिंदगी की सबसे हाईएस्ट ईदी हो गई दिखाओ, नहीं लाइक कंबाइंड डैडी वाली, डैडी की लास्ट टाइम जिंदगी की सबसे हाई ईदी हो गई है यार। आई थिंक मेरी भी हो गई है। पहले ना लाइक आई थिंक द हाईएस्ट ईदी वी एवर गॉटन इज 35,000 यार। 35,000 रुपये बहुत ईदी होती थी, मुझे तो कभी नहीं मिली यार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, आर रिलेटिव्स यूज्ड टू बी इन लाहौर, वो भी वैसे कोई ईदी देते नहीं थे उस तरह से, और कराची में भी मतलब उस तरह से नहीं मिलती चलो लेकिन सबको पता रहा कि मतलब उस तरह से ईदी हमें नहीं मिलती थी। मतलब ऐसे भी अंकल होते थे जो 50-50 रुपए जाके ईदी देते थे, ये खैर अभी की बात ही बहुत बचपन की बात है। तो खैर सीन ये कि जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह उस तरह से हमारे हैं नहीं, बहुत ज़्यादा कोई जानने वाले मिलने वाले हैं नहीं। ऑफकोर्स यू नो दोस्त यार हैं, अब जैद के अम्मा मुझे ईदी देते हैं, वो भी अब कराची शिफ्ट हो गए तो वो भी मेरी ईदी गई। कराची से तो मैं ईदी लेके आया था, जैद के अम्मा के मतलब ऑलमोस्ट शिफ्ट ही हो गए, मतलब ही वर्क्स देयर। नहीं जैद के अब्बा तो उधर रहते हैं ना, जैद थोड़ी ईदी देगा। तो खैर अब उनके अलावा मुझे कोई ईदी देने वाला यहाँ पे है नहीं, क्योंकि अपेरेंटली लोगों के सामने मैं बहुत बड़ा हो गया और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है। चलो करो 5 10 अच्छा डैडी ने कितनी दी? 10 नाइस। तुम्हारे अब्बा ने भी 10 दी? नहीं मेरी अम्मा ने 10 दी, अम्मा ने 5 दी, डैडी ने 10 दी, और क्या कहते हैं अभी अम्मा ने देनी है 5 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 मेरी काउंट करें? नहीं कमी होगी इससे, नहीं इससे तो ऑफ कोर्स कम होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि मेरी ईदी में से फायदा क्या हो गया क्या? मैं बताती क्या फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि शादी जब से हुई है तो मैं और अली हो गए एक यूनिट। शादी से पहले मुझे नबिया ईमान को देनी पड़ती थी, अब अली दे देता है तो मुझे नहीं देनी पड़ती, मुझे लिटरली किसी को ईदी नहीं देनी पड़ती। तो मुझे जो बेसिकली ईदी मिली उसके अंदर से ब्रेक डाउन करें तो मतलब जितनी मुझे मिली उतनी मैंने दे भी दिए, तो मेरे पास कोई इतनी खास बची नहीं है। लेकिन अभी अभी मेरा वॉलेट अभी भी थोड़ा सा भारी है, लेकिन काफ़ी मोटा लग रहा है। अच्छा जी, तो आई थिंक इतनी मेरी ईदी है और बाकी मैंने निकाले थे देने के लिए, तो ये दे दिला के सब कुछ कर करा के मिली मुझे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब जो मेरे पास रह गई मतलब दे दिला के वो है 5 10 15 16 17 18 19 फिर भी यार नहीं देख तुमने अभी अम्मा हम ना उम्र सबको देनी है बेसिकली सब नैरो डाउन हो गया नेगेटिव में चला जाऊंगा। चलो ये मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी निकाल के रखे हैं क्योंकि मुझे पता था कि मैं नेगेटिव में जाऊंगा। लिफाफे गाइस गाइस ये वाले इन लिफाफों में दूंगा क्योंकि वो जो क्यूट क्यूट थे वो तुम मिल नहीं रहे। मैंने फाइनली ढूंढ लिए, सो वो वाले जो लिफाफे हैं उनके ऊपर ये लिखा हुआ है मिस फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस अली हमजा बलोच, तुम भी अपनी दो ना, अलग तुम्हें भी देनी पड़ेगी। नहीं तो ये वाले लिफाफे हमने शादी वादी पे देने के लिए रखे हैं एंड हम ना उमर को क्यों, और ये वाले बेसिकली क्यूट क्यूट मंगाए थे और इसी में मैं चाह रहा था कि मैं नबिया ईमान सबको निया को इसमें दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे सका। और ये फेक नोट पड़े हैं 500 रुपये मैंने किसी को दी नहीं थी। 5,000 का नोट नहीं तुम्हारे पास है? पता नहीं बहुत इसमें बहुत स्टफ हो जाएगा अगर 10 किया। चलो मुझे 5 हम लोग बेसिकली ब्रेक डाउन करके इसी के अंदर डाल रहे हैं, उन्होंने कहा डाल के। अच्छा ये मैं 5 ले रही हूं और तुम्हें 5 का नोट दे रही हूं। Okay. कौन सी ईदी किस किस की डन हो गई? उमर और हमना की। अच्छा अम्मा की उमर की 5,000 हमना की 5,000। काफी सालों से मैं दोनों को 5,000 रुपए दे रहा हूँ। काफी सालों से तुम्हारी पिछले साल एक साल ही दिया तुमने। हनी पिछले शादी से पहले भी देता था मैं? नहीं जी नहीं। जी 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 अम्मा को देते थे, हमना उमर को तो नहीं देते। अच्छा अम्मा के बारे में ये सीन है कि मतलब यार जज नहीं कर सकते यार, ये मदर सन मोमेंट है। सो हम बड़े प्यार से अपनी मम्मी को भी देते हैं ईदी, मतलब वैसे मुझे उनसे लेनी चाहिए लेकिन हम जरा प्यार में उनको दे भी देते हैं, मतलब लेनी भी होती है उनसे लेकिन हम देते हैं उनको। अभी नहीं देना जब सब तैयार हो जाए ना। ओके okay. ये उमर बॉय वाला, ये हमना एंड ये अम्मा। 5,000 उमर के, हमना के और 10,000 अम्मा के। यार अब इसके ऊपर लिखो ना कोई निशानी तो दो, कैसे पता लगेगा कि अम्मा का कौन सा है? जो नोट जा ये दो नोट है अम्मा का, वो एक नोट गलती से हमना के पास चला जाएगा, वो खुश हो जाएगी, अम्मा उदास हो जाएंगी। गाइस मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, जब आपके ज्यादा लाइट ना हो तो आप लैंप को इस तरह करके भी तस्वीरें ले सकते हैं। बाहर रिंग लाइट डैडी के सामने चलाते हुए अजीब लग रहा था, शर्म आ रही थी। तो फिर अनिया ने लैंप को टेढ़ा कर लिया और ये हैक भी मैंने इनसे सीखी है। फोटोशूट तुम्हारे कैमरे से करूंगा ना, इससे क्यों कर रही हो? हां तो करो ना।
मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे घर वाले हैं दावतों को लेकर बहुत सीरियस हैं और ये टेस्टिंग करा रहे हैं। वेरी नाइस, ये वही वाले कबाब है ना? वेरी नाइस। और काफ़ी देर से मैं कमरे में बैठा हुआ था, मुझे जानू की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा था अन्य लगाए थे भाई। डैडी फुल ऑन डीजे बने हुए हैं, ये अम्मा डैडी दोनों यहाँ पे बैठे हैं, अंदर तू झूम सकते हैं भाई। सब तैयार हो गए ईद के लिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमना, और सारों के आउटफिट सेम है। मतलब मुझे नहीं पता है ये कोइंसिडेंट इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है या इन्होंने इंटेंशनल था। ये इधर मुड़े तो मियाँ का ड्रेस और अम्मा का ड्रेस तो बिल्कुल सेम है। अम्मा है नहीं यार, हमना का डिफरेंट लग रहा है, ये अम्मा का भी सेम। और हम करें अपने गेस्ट का इंतजार, क्योंकि खाना बड़े मजे का रेडी है और मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख। ऐसा खाना हो और भूख ना लगे ना, ऐसा हो नहीं सकता। अम्मा की जो चांपे हैं मैं तो वो क्रेव कर रहा हूँ। अम्मा रेडी है? हमने बॉयल शॉयल करके रखी हुई थी, अब जरा फ्राई करके उसका तड़का वड़का लगा के जो भी करती हैं, लेकिन बड़े मजे की बनती हैं यार। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया अम्मा की चांपे खाए। हाँ बकरा ईद पे खाई थी, पिछली बकरा ईद पे खाई थी। गाइस हमारे गेस्ट जो हैं वो आ गए। सो दैट्स ज़ैनब। सो ज़ैनब एस्प्रेसो शॉट पी पी है, सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दैट फैक्ट अबाउट हर। एंड आमना शरबत पीती है, आमना को मैंने शरबत बना के भी दिया, दिस इज शरबत। और ये सारे बिस्किट के पीछे पागल हो गए, यहाँ पे इसको खेल रहे हैं। कितना अटेंशन सीकर है यार। खाना भी लग गया, आपको खाना भी दिखाते हैं। गाइज उम्मा'स वर्ल्ड हैज़ अ क्लैरिफिकेशन, हमारे जो गेस्ट ऑफ द ऑनर है वो उम्मा'स वर्ल्ड है। सो उम्मा'स वर्ल्ड ने आपको कुछ बोलना है, क्योंकि कमेंट्स में मुझे काफी लोग बोल रहे थे कि आपने आंटी को बोला। आंटी मुझे बताएं ज़ैन ज़ैन कितना है? मेरे से बड़ा है, ज़ैन बड़ा है। माशाल्लाह ये छोटे बेबीज हैं दोनों, इनकी यही तो ये ऐसे ही मेरी ये सहेलियां निकल तो कमेंट्स में जो लोगों ने बहस किया था ना कि आपको शर्म नहीं आती, मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैंने फिर लास्ट वीडियो में मैंने उस्मा आंटी वाले फिर उन्होंने उम्मा'स वर्ल्ड ही बोल दिया। मैंने कहा चले जैसे गाइस आपको जरा मेन्यू दिखाता हूँ, आपको जरा जो मेन्यू है मटन बट कढ़ाई एंड टर्किश बीफ कबाब विद सैफ्रॉन राइस। मजाक नहीं उड़ा मेरा, ये अम्मा की बाकी देख लें अम्मा की वीडियो में। मेरी मेरी नज़र सिर्फ यहाँ पे, खुद अपनी। गाइज उस्मा आंटी ने फरमाइश की थी कि उनको मेरी कॉफ़ी पीनी है, जो कि बड़ी अच्छी फरमाइश है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। तो उस्मा आंटी आपकी कॉफ़ी रेडी है, ये आपकी कॉफ़ी है और ये चीनी आपको डालेंगे एस्थेटिक्स पर, ये बहुत अच्छी बात है जी है। वो तो होना, ये क्या तुमने फजूल लेंस दिया? सोनी का 20 मिलीमीटर 1.8 कदर तो है नहीं, दे रहा हूँ ये लो बड़े लेंस वाला, संभाला जाएगा तुमसे। दो फेमस पर्सनालिटीज का यहाँ पे फोटो शूट हो रहा था। ये फोटोग्राफर अपने आप को समझती है तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखते हैं सही बात है। आमना का कर्फ्यू है लेकिन आमना फिर भी इधर है। आई एम सो ग्लैड एंड आमना के साथ बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग मतलब कोई नहीं आया जो ना पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है और सबकी कमी पूरी की है, पूरी पूरी दोनों इवेंट्स पर। भाई तुम आओ ना आओ आमना आई है ना यहाँ पे, ज़्यादा साजिद वी डोंट मिस यू, वी डोंट मिस यू आमना, आमना इज आवर ब्रो। प्लस सबसे बड़ी बात ये 10:30 आमना का कर्फ्यू टाइम होता है, 12:30 आमना भी नहीं खाए। एक मिनट चलो खा के, हाँ वो खाए बगैर नहीं चलो। गाइस आमना लेके आई थी केक, केक के ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है। मैंने बोला था, मैं कहा कुछ भी लिखवा के लाना, लेकिन यार वो हैप्पी बर्थडे वाला ना काटते बड़ा मजा आता है। कोई ओकेजन नहीं है, ईद है, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे मैं करूंगा। क्या टूटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केक है हमें कुछ करने के लिए। आ जाओ गाइस, ईद मुबारक है, जब केक है तो काट के सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये वो बच्चे नहीं होते जिनको हर जगह अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का शौक होता है। ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओह ठंडा यक हुआ।
अस्सलामुअलैकुम करोड़ों दिलों की धड़कन All the way from London. Ooh, Annie, ew. Ooh, Annie, ew. I'm not there. Go. Ooh, Annie. Ooh, Annie. Rent free मेरे दिमाग में है. नहीं. और किसी को चाहिए? चाहिए? Guys, सामने जा रही है. पर अपने कर्फ्यू टाइम के बाद. स्वागत करने के लिए नहीं होगा थप्पड़ के साथ स्वागत करेंगे कि लेट हो गया कुछ बोलेंगे नहीं बस गुस्से से खैर है इसकी खैर होती है चलो ओके बाय मेरी ईदी हाँ ईद के तीसरे दिन को ईदी देता है यार मैं रह गया अच्छा किस एक मिनट पहले मैं जब सजी हुई थी तब आपने नहीं दिया मैं चेंज करके आ गई अच्छा मुझे पहले बताओ किस किस को ईदी दे दी है रेडी ने मुझे सबको दे दी तो मैंने नहीं मैंने मांगा तो रेडी करे मैं गया ही नहीं एटीएम वो जो तू अभी तुम्हारे लाने इन इन तीनों को दे दिए तुम्हें ज्यादा तो नहीं देनी इसलिए एटीएम रनर को कोई मुझे निकलते नहीं है ना इस वजह से यार मैं सोते लो मतलब मेरी बारी में एटीएम नहीं गए मेरी बारे में मुझे ईदी नहीं मिली अब मुझे ईदी भी मिलेगी ईद के तीसरे दिन चलो अम्मा भी ले आए मैं भी ले आता हूँ मैंने तो पैसे लिफाफे बनाए हुए हैं ईदी के लिफाफे आ गए और एक्साइटमेंट लग रही है वैसे नहीं किसके हाँ मैंने देख लिया उस ओहो वो उम्र की भी ऐसे हल्की हल्की नाक तो ऐसे हो रही है अम्मा गई है ईदी लेने हमारी बस अम्मा ले हैं तो फिर बस हम अपना जो सेरेमनी है वो स्टार्ट करते हैं नोट प्रिंट कर रही हैं क्या चाबी घुमाती थी भाई ईदी टाइम ईदी टाइम ईदी सबसे पहले बड़े बेटे को कितना मोटा है अम्मा लिफाफा गाइस ये तो पता ये अस्सलाम वालेकुम माता जी लेकिन लेकिन ये तो पतला सा लग रहा है ये इतना पतला होना तो नहीं चाहिए पतला पतला नहीं मोटा ही है अदाब अदाब जीती रहो बेटा जीती रहो तुम भी जीते रहो थैंक यू ये बालों में क्या लगाया है अम्मा तैयार हुआ था ना देखो चिब्बड़ आए हाय चिब्बड़ किए वो तो पता चलेगा बात कह रहा सेम है अलग अलग क्या पता चलेगा मतलब खोल के पता चलेगा गाइस मुझे लगा मैंने खोला मुझे लगा खाली है लेकिन ये अन्ना उमर तुमने सलाम नहीं किया ऐसे नहीं करना होता ऐसे ऐसे कैसे करते तुम भी करो अदाब हाय चलो जीती रहो चलो काउंट करें किसके ज्यादा आपको भी चाहिए दी चलो गिनो गाइस मुझे क्यों लग रहा है सबके सेम है अम्मा सेम है सबके सेम है अम्मा बड़े बेटे को ज्यादा मिलने चाहिए नहीं नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी क्यों 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 ज्यादा मिलनी चाहिए क्यों बड़ा हूं पहले पैदा हुआ था ना सबसे पहले ये सलाम अलैकुम अब ये सलाम अलैकुम ऐसे नहीं वो वाला यूं वाला ऐसे नहीं सलाम अलैकुम अच्छा जी ये क्या है ये इसमें भी सब बराबर है बराबर नहीं है ज्यादा ही है अम्मा आदाब बेटा जी तेरा वाला ताला तुम्हें तोफीक दे इसी तरह ईदियां बांटने की थैंक यू चीजें बांटने की दुआ करना कि बेटा अमीर हो जाए ताकि बेटा और बढ़ा अल्लाह ताला तुम्हें बहुत नवाजे आमीन भाभी जाने से पहले ओहो लड़की वाला खत्म हो गया भाभी सखी मूड में है ऐसे नहीं बोला अस्सलाम वालेकुम पहले गाइस काउंटिंग इनकी आप लोगों को तो पता है कितने दिए थे लेकिन अब काउंटिंग कर लेते हैं रेट नहीं बढ़ा अम्मा पिछली दफा से वैसे थोड़ा सा बढ़ा देते मेरा भी बढ़ सकता था चलो तुम्हारा कहते हैं ना कि 101 रुपए इस तरह डाल दूंगी मैं चलो 100 रुपए और डाल दो चलो अम्मा भी यही कर रही थी मेरे साथ इन्फ्लेशन हो गई है ना थोड़ा रेट बढ़ाओ थोड़ा सा बढ़ा दो 100 रुपए है तुम्हारे खुले हाँ दे दो फिर चलो 1000 कर दो हाँ 1000 महंगाई होगी 1000 बढ़ा दो 2000 कर दे जन्ना के लज़ानिया मैंने ट्राई नहीं किया था डाइनिंग टेबल पे जो बुफे लगा हुआ था वो बहुत बड़ा लगा हुआ था इतनी चीजें थी अब बंदा क्या क्या खाए
तो मेरे जैसा बंदा अपनी पसंदीदा चीज़ें खाता है वो है चांपे। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरा लज़ानिया खाने का बड़ा दिल करता लेकिन फिर भूख ही नहीं बची, फिर अब इस टाइम जाके थोड़ी सी भूख लगी। तो भाई साहब ये लज़ानिया इज़ द बेस्ट लज़ानिया इन द वर्ल्ड, विस्पर इसलिए कर रहा हूँ कि हम ना सुनना ले, ऐसे तंग करता हूँ उसको। चलें गाइस, दैट्स इट टुडे, आपसे मुलाकात होती कल एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।